नमस्कार, आप सभी दर्शकों का इंसाफ की आवाज में स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की खबर। जमशेदपुर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट यूनियन के द्वारा नई शिक्षा पद्धति NEP 2020 का विरोध जताते हुए उसके दस्तावेजों को जलाया गया। वैसे देश भर में इनके द्वारा नई शिक्षा नीति का विरोध जताया जा रहा है। इसी के तहत जमशेदपुर में भी इनके द्वारा प्रदर्शन कर दस्तावेजों को जलाया गया। इस दौरान इन्होंने कहा कि शिक्षा नीति बिल्कुल ही गलत है और इससे शिक्षा का व्यापारीकरण और निजीकरण बढ़ेगा। चूंकि प्राथमिक शिक्षा को आंगनबाड़ी सेविकाओं के हाथों में दिया जा रहा है, लेकिन वो इस कार्य के लिए प्रशिक्षित नहीं है, जिस कारण छात्रों को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी और अभिभावक निजी स्कूलों में बच्चों के दाखिला कराने पर मजबूर होंगे, जिससे खर्च बढ़ेगा। वहीं कई डिग्रियों को समाप्त किया गया जो शिक्षा जगत को कमजोर करेगी। वहीं इन सब मांगों को लेकर पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति का विरोध किया जा रहा है। आज हम लोग ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के तत्वाधान में यहाँ साक्षी भवन चक्कर पर जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, इसके खिलाफ हम लोग यहाँ पे हमारे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के ऑल इंडिया कमेटी के आह्वान पर पूरे सप्ताह भर यानी 2 से 8 तारीख हमारा प्रतिवाद दिवस चल रहा है। इसी के अवसर पर हम लोग आज यहाँ पे NEP का दस्तावेज जलाने वाले हैं। आप सभी को बता दें जो NEP पूरी तरीके से शिक्षा में ओवरऑल जो चेंजेस ला रहा है, ये बिल्कुल बहुत ही घातक है। आप लोग देखेंगे कि जो प्राइमरी प्री प्राइमरी का एजुकेशन है आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है, यानी कि प्री प्राइमरी फाउंडेशन कोर्स और प्लस क्लास 2 तक वो जो है आंगनबाड़ी को दिया जा रहा है। आप सभी जानते हैं आंगनबाड़ी की क्या स्थिति है। वहाँ पे जो सेविकाएं हैं वे जो है प्रशिक्षित नहीं है। एक तो उनको मतदान से लेकर के काफी सारे काम रहते हैं, इस पर उनको और अलग से बोझ दिया जा रहा है। आप समझ ही सकते हैं, सभी अभिभावक चाहते हैं कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़े और उनकी जो आधार है वो मजबूत हो, लेकिन ये जो आंगनबाड़ियों में दिया जा रहा है इससे क्या होगा, मजबूर होंगे अभिभावक, वे जो है प्राइवेट स्कूलों में ही बच्चों को भेजेंगे। इससे जो शिक्षा और महंगी होगी और बदतर हालत होगा। आप देख रहे हैं कि 9 से 12 क्लास जो है ये सेमेस्टर सिस्टम लाया जा रहा है। हम लोग पूरे प्रधान यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम की क्या हालत है। पूरी शिक्षा व्यवस्था चरमरा चुकी है। यहाँ पे दिन ब दिन एग्जाम फीस, फॉर्म फिलअप, इतने सारे फीस दिए जाते हैं और सालों भर एग्जाम ही चलते रहता है। अब कक्षा 9 से 12 भी एग्जाम ही चलेगा और जो माध्यमिक जो 10th क्लास बोर्ड की परीक्षा होती है वह खत्म कर दी जा रही है। तो ये बिल्कुल जो है चौतरफा हमला है शिक्षा के ऊपर। शिक्षा का निजीकरण किया जा रहा है, शिक्षा का व्यापारीकरण किया जा रहा है। और साथ ही मैं बता दूं ये NEP ये कहता है कि कुछ अनुमानित परिकल्पनाओं को, यानी कि जिनका वैज्ञानिक आधार नहीं है, उनको पाठ्यक्रम में समाहित किया जाएगा। यानी कि वैज्ञानिक चिंतन को भी लाया जाएगा। कोई भी हमारा हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, आर्ट्स साइंस, कोई भी फैकल्टी का सब्जेक्ट है, सभी एक जो है वैज्ञानिक मापदंड पे आधारित सटीक जो है वो प्रमाणित सत्य के आधार पर शिक्षा व्यवस्था है। दिन भर की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।